क्योंकि आपकी वाइफ ने 20 पुशअप्स कहा, हाँ, आपने 50 स्किपिंग्स कहा, करेक्ट, तो जवाब मैच नहीं हुआ। 20 में हम वो 50 स्किपिंग का 5 उधर ऐड करेंगे तो 25 पुशअप्स होंगे एक मिनट, ठीक है? ऑन द बेंच 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. तो शर्मा जी, आप मिसेस पाड़ावी को बुला लेते हैं? हाँ बुला लेते ना। हाँ मैं बुला क्यों? हाँ ले क्या ना प्लीज। ठीक है, ठीक है। पाड़ावी, ये कुछ चीजें हैं, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी चीज भाई साहब कर पाएंगे? एक भी नहीं शायद। फिर भी मुझे लगता है पानी पूरी खिला के देखते हैं आज। 15 तीखी पानी पूरी खाएंगे, पानी पूरी फिर गालियां दे चाहे। कल के झगड़े का बदला आज ले लेते हैं, भाई साहब को बुला के ला देते हैं। भाई साहब, हाँ, आपको क्या लगता है इन 5 चीजों में से भाभी जी ने कौन सी चीज चुनी होगी आपके लिए? Either it'll be skipping or push-ups, more of push-ups. Push-ups? Push-ups? भाभी आपने क्या कहा है? मैं पानी पूरी सिलेक्ट कर ली। तीखी पानी पूरी। अरे यार। आपको लगा था कि पुशअप्स करने के लिए कहा होगा, उन्होंने तो कहा पानी पूरी, तो पेनल्टी तो बनती है ना। पेनल्टी देखो क्या है, हमने पिछली बार क्या किया था, वो 5 उधर से उठाकर हमने 20 के आगे ऐड किया था। इस बार थोड़ा सिंपल है, आपने पुशअप्स का 2 जो है ना वो आपके 15 तीखी पानी पूरी के आगे जोड़ देते हैं। 15 और 2 17, ठीक है ना? हाँ। ओके रेडी, 1 2 3 गो। पानी आना चाहिए उसके अंदर। हाँ, हाँ। आहा, very good. Wow, tasty है. Very good. 4, 5. और ये 17, very good. Hola. Hola. और खिला दो. Very good. Very good. आपके पति ने आपके लिए जो किया है, आपको तो एक हग करना बनता है, प्लीज। मैं हूँ सतीश शर्मा और मैं हूँ इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, आपका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं थोड़ा सा। मेरा नाम है मिस्टर पारिक, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ और मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। मेरा नाम वर्षा पारिक है, मैं अहमदाबाद साबरमती से हूँ और मैं भी इनके साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट करती हूँ। हमारे शादी को 35 साल हो गए, हम लोग ने काफी स्ट्रगल किया शादी के बाद में और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छे नेचर के है और सबको हेल्प करते हैं, और एक बुरी आदत है कि वो रात को खराटे मारते। हमने शर्मा जी के बारे में काफी फ्रेंडों से सुना था कि वो एक सॉल्यूशन देते हैं हमको, तो आज हम उनके पास जाएंगे क्योंकि इनकी खराटे की आदत में चेंज करना चाहती हूँ। अच्छा, आपके बारे में बताइए। मैं राजेश निवेटिया, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, ब्रॉट अप इन कलकत्ता, देन वर्किंग इन मुंबई। मेरा नाम शवा निवेटिया है और मैं अभी बॉम्बे में 23 ईयर्स से रह रही हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ। इनकी एक हैबिट जो मुझे नहीं अच्छी लगती है वो है कि थोड़ा कान खुजाते हैं, थोड़े कॉन्शियस रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे तो मेरी मिसेज की बहुत सारी आदतें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी एक आदत जैसे इरिटेटिंग हो जाती है थोड़ी कभी कभी, मतलब ऐसा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो थोड़ा उसको कंट्रोल करें तो बहुत अच्छी है। भाभी, कोई 3 अच्छी इनकी आदतें बताइए कि जिनके वजह से आपको इन पर बहुत प्यार आता है। सबसे ज्यादा ये बुजुर्गों को बहुत टाइम देते हैं,
क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनको कोई समय नहीं दे पाता है, तो इनका बहुत मन रहता है मैं उनके पास जाऊं, उनके पास बैठूं, और उनके लिए करना भी चाहते हैं, बहुत कुछ करते भी है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। आजकल लोग नहीं देते बिल्कुल नहीं देते, रोते कि इनके साथ क्या बैठने का, और बुजुर्ग यंग लोगों के साथ बैठेंगे, ये अप्रिशिएट करने की बात है भाई साहब। अच्छा, तो आपके पति बहुत अच्छे इंसान अच्छे हैं, बहुत बुरी आदतों के साथ भगवान ने बहुत मस्त मस्त अच्छी आदतें भी दी है, जिसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है। राइट, आई एम हिज वाइफ। आप बताइए, इनकी तीन बहुत अच्छी आदतें, ये बहुत इमोशनल है, हेल्पफुल है। हमारी बिल्डिंग में ना काफी बुजुर्ग लोग रहते जिनके सबके बच्चे आउट ऑफ इंडिया है 99%। तो वो क्या है कि एक दिन है वो आंटी को एकदम कुछ डायबिटीज बहुत हाई हो गया, और इतने मुम्मर वाले अंकल है, वो नेबर के पास गए, नेबर ने तुरंत इनको कॉल किया कि नहीं ये एक ही बंदा है कि जो भाग कर आएंगे। तो ये कहीं मीटिंग में थे, मीटिंग छोड़कर दौड़ के आए, गाड़ी निकाला, उनको दो वॉचमैन को ऊपर लेकर गए और उनको उठा कर हॉस्पिटल लेकर गए। मुझे ऐसा बार बार बोलते सबको कि ये मौका हर एक किसी को भगवान नहीं देता है हेल्प करने के लिए, तो करोड़ों में से मुझे चूज किया है किसी को हेल्प करने के लिए, तो मैं ये मौका क्यों छोड़ू, मैंने अपने कर्म बांध लिए, अपने अकाउंट में एक कर्म डाला किसी को हेल्प करने का, तो ये जितना हो सके उतना हेल्पफुल है। तो अब निवेटियास की बारी, रेडी है, तो आ जाइए, एक पार्टनर उस साइड पे, एक पार्टनर उस साइड। चलिए, मैं डांस करता हूँ, ऐसे ऐसे डांस करता हूँ, ऐसे अतरंगा डांस करता हूँ, मैं कथक करता हूँ। नहीं नहीं बोलते रहिए, क्या क्या करते हैं। मिट्टी, धरती, मैं धरती हिला देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। क्या कर रही थी आप बताइए? आप जब डांस करते हो तो धरती पे भूकंप आ जाता है। वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड। रेडी भाभी जी? चलिए, मैं, मेरे लिए फूल, कमल, गुलाब, गुलाब, मैं गुलाब का फूल हूँ, सूरज, चांद, रोश, टुकड़े, दो वर्ड है, चांद, गुलाब, चांद, गुलाब, गुलाब की चांदनी, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल जैसे चांदनी, चांद, गुलाब का फूल। बोली क्या था, तुम गुलाब का फूल हो या चांद का टुकड़ा हो? आपको बहुत पहुंचा दिया था उन्होंने, पहुंचा दिया तो दोनों में पहुंचा दिया, दोनों में पहुंचा दिया था। तो मिस्टर शर्मा जी, अरे तैयार करवाइए भैया दूल्हा दुल्हन को। हाँ, कहीं पर भी कोई भी मूड ऐसा खराब आ जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहना। आपके मन में भी क्या चलता है पर मैं आपको जताना नहीं चाहती, उसका रीजन एक ही है कि आप कहीं टूट ना जाओ, मैं आपको बिखरता नहीं देख सकती। एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल औरत के पीछे इधर एक आदमी का हाथ। तो कौन देश से आई? ना।